चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा नगर पालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ 11:44 पर प्रातः शुभ मुहूर्त में नगर पालिका अध्यक्ष सागवाड़ा का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने जिला कांग्रेस कार्यालय सुरभि कॉम्प्लेक्स में बाहर से आए हुए मेहमानों का स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत अभिनंदन के बाद सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रैली के रूप में गाजे बाजे के साथ शहरवासियों का अभिवादन करते हुए नगर पालिका सागवाड़ा की तरफ प्रस्थान किया। नगर पालिका सागवाड़ा में पहुंचकर नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने परंपरागत तरीके से नगर पालिका प्रांगण में पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और सागवाड़ा की जनता का अभिवादन किया। तत्पश्चात नियत समय पर 11:44 पर नगर पालिका सागवाड़ा का कार्यभार अपने सभी पार्षदों की मौजूदगी में ग्रहण किया। इस अवसर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा से भी कई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। सागवाड़ा नगर पालिका प्रांगण शहरवासियों और समर्थकों के साथ खचाखच भरा हुआ था। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सभा को संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम में डूंगरपुर जिले के सभी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णराज सिंह बिछवाड़ा, करण सिंह चौहान आसपुर, पूर्व विधायक, उपजिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन गोवाड़िया, नानू भाई मकवाना, श्रीकांत पंड्या, महेंद्र बरजोट, मोहम्मद इस्माइल, देवराम बिछवाड़ा, कुलदीप गांधी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंघवी, वल्लभ पाटीदार आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर श्रीकांत पंड्या ने कहा कि अगले 5 वर्षों में सागवाड़ा शहर को सिंगापुर बना देंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी सभा को संबोधित करते हुए अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष व जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने भी सभा को संबोधित करते हुए सागवाड़ा नगर पालिका में विकास की बात पर जोर देते हुए सागवाड़ा नगर की जनता से आह्वान किया है कि विकास के हर कार्य में सागवाड़ा नगर की जनता सहयोग दे। नगर पालिका सागवाड़ा नगर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन सागवाड़ा नगर की जनता का साथ इस कार्य में जरूरी रहेगा, तभी विकास के कार्य में तेजी आएगी। इस अवसर पर नगर पालिका की प्रथम बैठक मांडवी चौक में होगी, जहाँ पर सभी तरह की समस्याओं और कार्यों के बारे में रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस अवसर पर पूरा प्रशासन वहां पर मौजूद रहेगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दोनों में विधिवत नगर पालिका सागवाड़ा
नगर पालिका कांग्रेस के हाथ में कैसे ली जाए। आप सब जानते हैं कोटनिया साहब का आगे तक इस मामले में बहुत बड़ी पहुंच है। जैसे ही आपको बजट भी प्राप्त हुआ और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पूरे प्रयासरत है और बहुत शीघ्र सागवाड़ा आपका पूरा बदला हुआ नजर आएगा और लोग कहेंगे डूंगरपुर में अगर नगर पालिका क्षेत्र जाके देखना है तो सागवाड़ा देखे, ऐसी स्थिति आपकी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए मेरी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद। 110 करोड़ रुपया नगर पालिका के पास में आया होगा, शायद कभी नगर पालिका में कोई जमीन बेची हो, कोई दुकान बेची हो, लेकिन 110 करोड़ रुपया कभी भी इतना बड़ा फंड नहीं आया। ये सारी मेहरबानी धीरेन्द्र जी खोरनिया साहब की है और आगे भी धीरेन्द्र जी खोरनिया साहब और भी पैसा लाएंगे। ये तो अशोक जी गहलोत साहब से लाए हैं, कई मंत्री ऐसे हैं जिनके तरफ से भी पैसा लाएंगे और इस सागवाड़ा के काया कलम पलट देंगे। मेरी ये सोच है, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये बोर्ड धीरेन्द्र जी खोरनिया साहब ने बनाया। जब जब चुनाव की तारीख की घोषणा हुई तो इस वार्डों के अंदर कांग्रेस के पार्षद मिलना मुश्किल थे, ये कंडीशन थी। और आप ताज्जुब करो कि स्पष्ट बहुमत लेकर के 35 में से 22 पार्षद जीत गए, वो छोटी बात नहीं है। 78 साल में पहली बार देख रहे हो अपन ऐसा। विकास की बात इस मंच के ऊपर छोड़ दो, विनय जी के ऊपर छोड़ दो, हम लोग हमारे कांग्रेस के पार्षद, हमारे कांग्रेस के सभापति, हमारे कांग्रेस के नेता दिनेश जी खोटिया साहब ना कोई काम गलत करेंगे और ना करने देंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नव निर्वाचित अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी खोटनिया जी, साथ ही हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, उपसभापति जी, नगर अध्यक्ष जी, बिछीवाड़ा प्रधान जी, उप जिला प्रमुख मैडम जी, डूंगरपुर प्रधान, इसलिए आप तो भरोसा रखे हैं। साथ ही आप सब पंडाल में जितने भी बिराजे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर भाई शुरू से सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने ये लोगों का आज ऑफिशियल अनावरण हमारे सभी अतिथियों द्वारा। अब मैं हमारे बीच में हमारे मैं इस शुभ अवसर पर आप सबको जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। बोर्ड भी बन गया जैसी आप सबकी मंशा थी। अब यहां पर सब जितने वक्ता आए सबने अपनी बात रखी, सबने कहा कि दिनेश खोटनिया अशोक गहलोत जी से पैसा लाएगा। सही बात है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। समझना इस बात का लोकतंत्र को कि कोई पैसा व्यक्ति नहीं लाता है, कोई पैसा नेता नहीं लाता है। यही हमारी सोच है जो हमको जातियों में, वर्गों में, गांव में, टुकड़ों में बांट देती है।
ये अगर विकास का पैसा अगर कोई लाता है और लाएगा तो ना दिनेश खोटनिया लाएगा ना अशोक गहलोत देगा। ये विकास का पैसा अगर आपको मिलेगा तो वो सिर्फ आपने एक वोट दिया उसके कारण मिलेगा, एक वोट दिया उसके कारण आपका एक वोट पैसा लेके आएगा, आपका एक मत पैसा लेकर के आएगा। कि आपने मत आपका वोट उस जगह दिया समझदारी से कि यहां वोट देने से पैसा आएगा, इसलिए दिनेश कोडीना नहीं आपका वोट लाएगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज सभापति चेयरमैन साहब ने पदभार ग्रहण कर लिया है, नगर पालिका क्या मतलब है, क्यों नाम रखा है पालिका, पालक से नगर के पालक कौन, 45,000 मतदाताओं के पालक आज नरेंद्र खोडनिया जी आपकी 35 जनों की टीम बन गई। 45,000 लोगों ने आपको पालक बनाया, 35 जनों को आपकी जवाबदारी 45,000 लोगों के लिए है, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। ना तो जात में बंटना, ना वार्ड में बंटना, ना मोहल्ले में बंटना, 45,000 लोगों को न्याय देने की जवाबदारी आप 35 जनों की है, ये मेरा आप सबसे आग्रह है, ये मेरा आप सबसे आग्रह। अब उसके लिए आप जो आदेश करेंगे होगा। अपने भांगड़ी में कहा बात है, भूत के पांव पांडे में दिखाई जाएंगे, दिखाई जाएंगे नहीं दिखाई, बोल मंगलेश दिखाई जाएंगे नहीं, हरीश भाई बोलो पुराने आदमी हो, भूत के पांव पांडे में दिख गए कि विकास कैसा होगा 110 करोड़ आके, तो क्या होने वाला है। ये पूरा 45,000 जनसंख्या को, मेरे माता पिताओं को, भाइयों बहनों को विश्वास है कि क्या होने वाला है साकवर, लेकिन ये सब हो सकता है। लेकिन मैं आप सब से आज इस शपथ ग्रहण समारोह में एक शपथ दिलाना चाहता हूं कि अगले 2 साल तक मेहरबानी करके हमारे 35 पार्षद यहां विराजमान है, आप किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन 2 साल इस 35 जने मिल करके काम करिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक बार करने दीजिए जैसा, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध मत करना, विरोध करने के लिए विरोध मत करना, काम तो होगा। क्या हम इस प्रांगण में बैठे हैं, ये प्रांगण अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मुझे सागवाड़ा के लोग बताइए, नगर पालिका बिल्डिंग अच्छी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए बताइए, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए, आपकी स्वीकृति है कि नहीं बननी चाहिए, अच्छा बढ़िया जगह बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ऐसी जगह बननी चाहिए जहां 35 वार्ड के 35 पार्षद कार लेकर के आए, तो उनकी कार की पार्किंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जहां हमारी नगर पालिका का नया भवन बने तो नगर पालिका के हिसाब से नहीं, जैसा शांति धारीवाल जी कह के गए कि ये नगर पालिका नहीं अब नगर परिषद बननी चाहिए, अगर नगर परिषद बनेगी तो ये 35 के जगह 70 वार्ड होंगे कि नहीं होंगे, तो बस 70 कार मिलनी पड़ेगा कि नहीं मिलनी पड़ेगा। तो हमारा विजन क्या होना चाहिए कि अगले 50 साल तक जैसी हमारी बॉडी बनेगी उस हिसाब से हमारा सभा का, नगर पालिका बोर्ड का सभागृह ऐसा होना चाहिए, ऐसा चेयरमैन का ऑफिस होना चाहिए, ऐसा पार्षद का ऑफिस होना चाहिए, उस नगर पालिका बिल्डिंग जहां बने वहां पर एक जनता क्लिनिक भी होना चाहिए, वहीं पर पटवार घर भी होना चाहिए, वहीं पर गिरदावर का ऑफिस भी होना चाहिए, वहीं पर ईओ के रहने का फ्लैट भी होना चाहिए, नगर पालिका के कर्मचारियों के रहने के क्वार्टर भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो ऐसा बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो सभापति महोदय, जनता आपसे चाह रही है, जो 35 जने बैठे हैं
कि विजन ऐसा लाइए कि नालियां और सड़कें तो सब बनाते हैं। आप सागवाड़ा का निर्माण करने जा रहे हैं नए सिरे से, आप 35 जने मिलकर के, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगले 100 साल के लिए विजन देना चाहता हूं। हमने कहा था कि 500 दुकानें बनाएंगे, ये कोई झुमला नहीं था हरीश भाई, ये झुमला नहीं था, बनेंगे, आप बैठे हो वही बनेंगे। इंद्रजीत बता, आदिवासी के बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कुटीर उद्योग लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए। जितने हमारे आदिवासी भाइयों के मोहल्ले बाहर हैं, माननीय सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, 35 पार्षदों से निवेदन कर रहा हूं कि आपके पहले बजट में जितनी हमारी आदिवासी बस्तियां हैं वहां से कल से आप जाइए, खुद सर्वे करिए, ई और जयन नहीं, 35 पार्षद साथ जाइए और जाके देखिए कि किस गरीब आदिवासी के मोहल्ले के अंदर सड़क नहीं है, वहां सबसे पहली सड़क वहां पर बननी चाहिए आदिवासी मोहल्ले। उनको विकास से महरूम नहीं किया जा सकता, वहां हैंडपंप होना चाहिए, वहां लाइट होनी चाहिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी। लेकिन वो तो सब चुनावी बातें थी, मैं आप सबसे फिर कह रहा हूं कि आज मैं मेरे 18,000 दशामर समाज का भी अध्यक्ष हूं, जिला कांग्रेस कमेटी का भी अध्यक्ष, सभापति भी यहां बैठे। अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, क्या एक आदमी पे विश्वास किया है कि ये हमारी सब चीजें पूरी करेगा, उसके ऊपर ट्रस्ट किया। समाज का अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि कोई पगड़ी पहनना या साफे बांधना या शाल ओढ़ना नहीं है, समाज का एक एक व्यक्ति क्या चाहता है उस बात को पूरा करना है। तो ये सब बातें, चुनावी बातें तो भाई नरेंद्र जी, राजू भाई और 35 पार्षद मिलकर के करेंगे, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से अगर मुझे कुछ ताकत मिली है, मेरे पास कुछ है, तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, गांव गांव घर घर जाकर के ये बात कहिए, जो यहां नहीं आए, हालांकि हर मोहल्ले में कह रहा हूं कि नाली ये बढ़ाएंगे, सड़क ये बनाएंगे, लाइट ये लगाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये बनाएंगे, जो करना है वो करेंगे, लेकिन एक अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज से आपने जो आशीर्वाद दिया, जितना शानदार मैंडेट दिया, जिम्मेदारी मेरी व्यक्तिगत भी बढ़ गई है, और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, एक वचन देता हूं कि आपके घर में गांव का विकास तो होगा, लेकिन आपके घर में कोई बीमार है उसकी जवाबदारी भी दिनेश कोटनी है कि आधी रात में आपकी घर में किसी तरीके का अड़ोसी पड़ोसी परेशान कर रहा है, प्रशासन का कोई अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 24 घंटे मेरा टेलीफोन आपके लिए खुला है और आप कहीं संतोष करते। भारत माता की। नगरपालिका के प्रांगण में आज सागवाड़ा नगरपालिका के चुने हुए सभी पार्षदगण, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के पद ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारे जिले के जिला अध्यक्ष भाई दिनेश जी खोटलिया, पूर्व अध्यक्ष श्री पीकांत जी पंड्या साहब, मेरे उपाध्यक्ष नगर पालिका के भाई राजू भाई खांची, उप प्रमुख जी देवराम जी प्रधान जी, बरजोड़ जी करण सिंह जी, हमारे ब्लॉक के दोनों अध्यक्ष जी, पूर्व प्रतिपक्ष नेता कुलदीप भाई, नानू भाई मकवाना, हमारे भरत जी, मनोहर सिंह जी, कैलाश जी, पवन जी गोवाड़िया, बिछीवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस के कृष्णपाल सिंह जी और हरीश जी, ध्यानीलाल जी कसारा साहब, पूर्व चेयरमैन भाई चंद्रशेखर सिंघवी, मेरे साथी गण, सभी पार्षद गण, उपस्थित सभी सर्व समाजों के प्रतिनिधिगण, सारे डूंगरपुर जिले से और बांसवाड़ा से पधारे हुए मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी अग्रज अनुज, माताएं बहने, प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु और उपस्थित युवा साथियों,
नगर की जनता ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है 45,000 लोगों का नेतृत्व करने की और नगर के विकास करने की। मैं इस जनता को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, सभी का चरण वंदन करता हूं कि आपने इतने भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताया और कांग्रेस का बोर्ड बनाने में मदद की। साथियों, नगर का विकास होगा क्यों कि सभी हमारे ये कांग्रेस के बाहुबली नेता सभी यहां विराजमान हैं, जो अशोक गहलोत और उसके मंत्रिमंडल तक की पहुंच रखते हैं। इसलिए हमें विश्वास हो गया है कि आपने हमें चुना है तो हम विकास करेंगे, क्योंकि संबल और सहयोग सरकार से मिलता है और सरकार ने जैसे ही चुनाव जीते हम सभी पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और जब 22 सीटें लेकर के हम उनके पास गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी गदगद हो गए कि इतने वर्षों में कांग्रेस का बोर्ड नहीं था और आप सभी युवाओं ने मिलकर के कांग्रेस का बोर्ड बनाया। उस खुशी में उन्हें हमें गिफ्ट दी कि आप विकास करिए। और शायद शासन मंत्री जी शांतिलाल जी धारीवाल जो शायद शासन विभाग के मंत्री हैं, उन्हें निर्देश दिए गए कि सागवाड़ा मेरा गांव है। उन्होंने क्यों कहा मेरा गांव है? क्योंकि सागवाड़ा की जनता ने अशोक गहलोत को जो प्यार दिया है वो कभी भूल नहीं सकते हैं। गहलोत जी, उनके मन में सागवाड़ा के प्रति जो प्रेम है वो हमने उस दिन देख लिया कि हमें देख करके कितने गदगद हैं और कितने खुश हैं। और उन्होंने 110 करोड़ की जो घोषणा थी उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दिया और कह दिया कि शांतिलाल जी धारीवाल, आपके अधिकारियों से तत्काल ये पैसा रिलीज करवाइए, और वो स्वीकृति प्रदान हुई। अब बात आती है विकास की और नगर पालिका की। आपने मुझे बहुमत दे दिया, हमें बहुमत दे दिया है, हमें जिम्मेदारी सौंप दी है, मगर इस नगर को स्वच्छ रखने की जवाबदारी नगर पालिका की तो है, पहली जवाबदारी नगर पालिका की बनती है, मगर मैं सभी जनता से भी सहयोग मांगता हूं कि स्वच्छ आपके घर का आंगन है तो स्वच्छ घर आपके घर की गली भी होनी चाहिए, स्वच्छ आपके घर का मोहल्ला होना चाहिए और स्वच्छ आपका शहर होना चाहिए। स्वच्छता में आप यदि हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे जिस तरह से कई बड़े शहर आज स्वच्छ दिख रहे हैं उसके अंदर स्वच्छता की इच्छा शक्ति जनता की है, जनता ने उन्हें सहयोग दिया है। नगर पालिका अकेली क्या कर सकती है? नगर पालिका के स्टाफ क्या कर सकता है? नगर पालिका के कर्मचारी क्या कर सकते हैं? जब तक जनता हमें सहयोग नहीं देगी, आप अपने घर का कूड़ा करकट एक पात्र में रखिए, हो सके तो हम पात्र उपलब्ध करवाएंगे घर घर, उसमें रखिए, रोज गाड़ी आती है और उसके अंदर आप उस कूड़े करकट को उसके अंदर डालिए, ऑटोमेटिक सफाई दिखेगी। मैं आपको एक घटना बताता हूं। मैं सिक्किम गया था और गैंगटोक वहां की राजधानी है, इतना नीट एंड क्लीन शहर है वो कि जो महानुभाव गए हैं उनका अनुभव है, मैं भी गया हूं, गैंगटोक गया हूं मैं, इतना सुंदर नगर है। जब हम मेरे परिवार के साथ मेरे बच्चे थे हम वहां पर वहां सौंदर्यकरण को निहार रहे थे उस बाजार के और कुछ परचेजिंग कर रहे थे तो एक परिवार का बच्चा एक चॉकलेट का रैपर और एक चिप्स का रैपर खा करके उसने उस दुकान के आगे डाल दिया। सड़क पे सिर्फ वही कचरा नजर आ रहा था। हम चल रहे थे, हमने देखा कि उस लड़के ने डाला है खा करके। एक दुकानदार उस दुकान से नीचे उतरा और रैपर और चॉकलेट का रैपर खाली जो फेंका हुआ उसने लिया
और उसकी दुकान के आगे डिब्बे में डाल दिया उसे। ये होती इच्छा शक्ति। इसलिए स्वच्छता के मामले में आप यहां से संकल्प लेकर के जाएं कि नगर तभी स्वच्छ हो सकता है जब आप नगर पालिका को सहयोग करेंगे। हमारा दायित्व तो बनता है, हमारे सफाई के कर्मचारी आएंगे, सफाई करेंगे, नालियों की सफाई होगी, बिजली की व्यवस्था भी होगी, सड़कें भी तंदुरुस्त होंगी, मगर आप यदि उस नालियों के अंदर ही कचरा डालेंगे तो नालियों का पानी सड़क पे आएगा और स्वतः वो गली गंदी दिखेगी। तो मेरे पहचान के थे, उन्होंने चाय पीने के लिए बुलाया, हमने चार पांच जनों ने चाय पी, ललित भाई भी मेरे साथ थे, बंधु भाई मेरे साथ थे, हमने चाय पी उसकी दुकान पे बैठ करके। और चाय पी करके जैसे ही वो कप हमने उसके टेबल पे रखे, उसने पांचों कप उठा करके सड़क पे डाल दिए। मैंने तुरंत उनको कहा इस तरह से यदि आप करोगे तो नगर पालिका और नगर स्वच्छ कैसे रहेगा, मेरे को बताइए भाई। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप हमें सहयोग दीजिए, इस नगर को हम इतना अच्छा और सुंदर बनाएंगे, मगर उसके अंदर आपका साथ चाहिए, इस विकास में आपका साथ चाहिए। हमारी पहली मीटिंग, जैसा कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार घोषणा हो चुकी है हमारी चुनावी सभाओं में कि हम पहली मीटिंग मांडवी चौक पे करने जा रहे हैं, सारे पार्षद मिलकर के 3500 पार्षद उस दिन उपस्थित रहेंगे, प्रशासनिक लवाजमा रहेगा उस दिन, और मांडवी के पास हम पहली मीटिंग करने जा रहे हैं। और उस पहली मीटिंग में मैंने कई लोगों के दर्द को देखा है कि कई बार किसी के घर में रात को 12 बजे 1 बजे कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उसके लिए गाड़ी की बड़ी परेशानी हो जाती है, कोई टेम्पो लाता है, कोई कार कहीं से लाता है, किसी को उठाता है, रात को सोचता है इधर बजे 1-1.5 घंटे में यदि अटैक आया तो वो आदमी भाई समाप्त हो जाता है। इस दर्द को मैंने समझा है, इसलिए हमारी एक योजना ये रहेगी कि नगर पालिका की पहली मीटिंग में हम 2 वाहन, 1 एम्बुलेंस मरीजों को लाने के लिए लोकल अस्पतालों में पहुंचाने के लिए 1 एम्बुलेंस की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और दूसरा एक मैंने देखा है कि शव मोक्ष यात्रा जब निकलती है तो मैंने कई बार देखा है कि दूर दराज मोक्ष धाम होते हैं और वो शव यात्रा को लेकर के जाते हैं तो बहुत दूर दूर तक उनको जाना पड़ता है। हम एक मोक्ष वाहिनी भी उपलब्ध कराएंगे पूरे 35 वार्डों में। हम पहली मीटिंग में ये निर्णय लेने जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों आइए हमारा साथ दीजिए, हम सभी पार्षद मिलकर के 3500 वार्डों में बिना भेदभाव के आपके द्वारा जो योजनाएं आएंगी, मैं तो सर्व समाज के सभी लोगों को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने गली मोहल्लों के विकास के प्लान बना करके हमें बताइए। और उन बुद्धिजीवी वर्ग को जो टेक्निक से जुड़े हुए हैं, जो अच्छे आर्किटेक्ट हैं, उन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें सागवाड़ा में कौन कौन सी जगह पे अच्छी सौंदर्यता की एक खूबसूरत उस जगह को बनाए, ऐसे प्लान भी आप हमें दीजिए ताकि सागवाड़ा को बहुत जल्दी हम विकास के पथ पर ला करके और एक सुंदर शहर का नक्शा और सुंदर शहर के रूप को आपके सामने हम रख सकें। जल्दी एक शिविर लगा करके और उनको पट्टे दिए जाएं, हम पट्टे भी बहुत जल्दी देंगे, जिनके मकान बने हुए हैं सागवाड़ा की भूमि पे उनको पट्टे देना भी जरूरी है। खाद्य सामग्री में नाम जुड़वाना है उसकी पहल भी हम सबसे पहले करेंगे, और खाद्य सामग्री में नाम जुड़वाने के लिए हम हर जगह एक सर्वे करवा करके और जल्दी से जल्दी खाद्य सामग्री के बारे में भी हम जिनके नाम जुड़वाने उनके ऊपर भी हम बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। इसलिए साथियों ये नगर पालिका आपकी है, आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की है, विकास में हाथ बढ़ाइए, स्वच्छता में हाथ बढ़ाइए, यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।